और गल करांगे सब तो पहला अमृतसर दी। अमृतसर दे विच एक हार्डवेयर कारोबारी ते फायरिंग खोड़ दी घटना सामने आई है। ईस्ट मोन नगर इलाके दे विच फायरिंग दा मामला सामने आया। दो बाइक सवारा ते इल्जाम ने जिहड़े इलाज कारोबारी है फायरिंग मगरों मुलजम जिहड़े फरार ने। पुलिस कर रही है मामले की जांच। वड्डी खबर तुहानूं दस रहे अमृतसर तो इस वेले आ रही है जिथे ईस्ट मोन नगर की घटना जिथे एक व्यापारी दे उत्ते गोली चलाई गई है जिस तो बाद मुलजम मौके तो फरार ने। अमृतसर दे विच हार्डवेयर कारोबारी ते फायरिंग की घटना जिहड़ी है सामने आई है। व्यापारी जिहड़ा इस समय जेरे इलाज है। पुलिस दे वल्लों मामले की जांच की गल आखी जा रही है। दो बाइक सवार सन अणपछाते व्यक्ति सन जिन्हां ने इस घटना नूं अंजाम दिता ते मौके ते घटना नूं अंजाम दे के फरार हो गए। अमृतसर दे ईस्ट मोन की घटना है जिथे हार्डवेयर कारोबारी ते फायरिंग की गई है, गोली चलाई गई है। लगातार इसे तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हुण मामला अमृतसर के ईस्ट मोन नगर इलाके का एक वड्डी मार्केट है इत्थे और व्यापारी वर्ग काफ़ी वड्डी तादाद दे विच इत्थे रहिंदा है और इत्थे ही एक घटना वापरी है। ईस्ट मोन नगर दे विच एक घटना वापरी है जिथे व्यापारी दे उत्ते गोली चलाउण दा मामला सामने आया। हार्डवेयर का व्यापारी सी कारोबारी सी जिथे घटना जिथे अणपछाते व्यक्तियों के वलों इस नूं अंजाम दिता गया। फिलहाल पुलिस के वलों भाल की जा रही है उन्होंने बाइक सवारा की जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिता। फायरिंग मगरों फरार हुए मौके तो मुलजम। अमृतसर तो साढ़े सहयोगी परमवीर इस समय मेरे नाल मौजूद ने। परम जानकारी लेना चाहवांगे हार्डवेयर कारोबारी से घटना वापरी है और ईस्ट मोन नगर इलाके की एक घटना की जानकारी है इस। मालक सी उसके उन्होंने फायरिंग की गई है। कुछ अणपछाते व्यक्ति सके जिन्हों ने मूँह से मास्क पाए हुए थे कई ने कई ने जोड़ा है वो अपना मूँह लपेटिया होया कपड़े के नाल अचनचेत आते हैं। तो आद्या ही जी गोलियां ने वो मारन लग जाते हैं तो जख्मी हो जाता जरा जो हार्डवेयर कारोबारी है। फिलहाल जी पुलिस है मौके पर पहुंची है तो जांच जी की जा रही है। सीसीटीवी जी फुटेज है वो भी कढ़वाई जा रही है तो अगलेरी जी जांच है मंथ शुरू कर दी है पुलिस ने। जी जी पुलिस ने शुरुआती जांच दे विच की कुछ आख्या है कोई डीजी जड़ी है रंजिश दस्या है ते किन्ने क जड़े मुलजम सी अणपछाते लोग सी जिन्हां ने फायरिंग कीती और व्यक्ति दी हालत किस तरीके दी है इस समय। बिल्कुल जेकर असीं गल करिए मनप्रीत तां व्यक्ति फिलहाल स्थिति उसकी स्थिर है। राती जख्मी हालत दे विच उसनूं हस्पताल भर्ती करवाया गया ते जिहड़े व्यक्ति सीगे उसदे जानू ही दसे जा रहे ने। पुरानी जिहड़ी रंजिश है वह दसी जा रही है किसे गल नूं लैके पुरानी इहनां दी रंजिश सीगी ते उसे नूं लैके जिहड़ा है रात इस वारदात नूं जिहड़ा है अंजाम दिता गया। जी जी पर हम जानना चाहवांगे मौके ते कोई चश्मदीद मौजूद सी जिसने इस पूरी घटना नूं देखिया होवे। फिलहाल मनप्रीत कोई भी मीडिया अगे आने तो हले मुनकर हो रहे हैं क्योंकि अगे नहीं आ रहे क्योंकि जिन्हां चिर पछाण नहीं हुंदी। पुलिस भी यही कह रही है कि वारदात हुई है सानू जिन्हां चिर गोलियां दे खोल नहीं मिलते हैगे मतलब जिन्हां चिर सबूत नहीं मिलते हैगे असीं उन्हां चिर मीडिया अगे कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल जिहड़ी जांच है वह जा रही है। जानकारी देने लई धन्नवाद इस सन साडे सहयोगी अमृतसर तो परमवीर औलख जिन्हां ने जानकारी दित्ती कि अमृतसर दे ईस्ट मोर नगर इलाके दे विच वड्डी घटना वापरी है। हार्डवेयर दे कारोबारी है जिस उत्ते वड्डी घटना वापरी है और फिलहाल कारोबारी जेरे इलाज है।